yad bhavyam tad bhavatu bhagavan purva karmanurupam etat prarthyam mama bahumatam janma janmantarepi tvatpadambho ruhayagata nishala bhaktirastu jayati jagati mayam yasya kaya dhavaste vachana rachana mekam kevalam chakalaya dhruvapadam apiyato yat kripato dhruvoyam sakala kushala patram brahma putro natosmi. Thoda sa paath karenge. आप लोगों के पास में शीट्स हैं, मैं बोलूंगा, रिपीट कीजिएगा. ये संस्कार पढ़ने के लिए, थोड़ा मन पे संस्कार पड़े, लगे हाँ ये भक्ति नारद भक्ति सूत्र है. अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किञ्चित् वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यद् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति. यहाँ पर परभक्ति का स्वरूप बताया गया है. ये कहते हैं, एक बार एक माता जी गई प्रवचन में, वेदांत का बड़ा अच्छा प्रवचन था. प्रवचन सुना, कहा कि माता जी कैसा रहा प्रवचन? बहुत अच्छा प्रवचन, वेदांत की बड़ी बड़ी बातें कही. क्या कहा बताओ? अरे हम मैयाएं हैं, हम क्या समझेंगे इस चीजों को. तो यहां पर बात हो रही है पराभक्ति की. पराभक्ति है लक्ष्य, और उसकी विशेषताएं इसलिए बताई जा रही हैं कि हमारा मन उनके प्रति आकृष्ट हो. प्रारंभ इसी तरह किया जाता है. पातंजल योग सूत्र में कहा गया है चित्त वृत्ति निरोध, तब क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम्, तब दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा. और उसके आगे चलकर उसको उसकी व्याख्या करते हुए व्यासदेव कहते हैं समाधि. तर भाई समाधि क्या? पहला चैप्टर ही है समाधिपाद. वो चार प्रकार की समाधि, वितर्क विचार आनंद अस्मिता संप्रज्ञात असंप्रज्ञात निर्बीज सबीज, सब समाधि का वर्णन. प्रारंभ में समाधि, दूसरा चैप्टर है साधन पाद, वहाँ पे साधन बताया गया. ये सब जगह आप देखेंगे शास्त्रों में ये सारी बातें हैं. प्रारंभ में लक्ष्य बताते हैं क्या प्राप्त करना है और प्राप्त करने पर क्या होगा. अरे ये ध्यान जब करना, आश्रम में आना, इससे क्या होगा? साधना करने से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा. नहीं तो क्या हुआ? न घर के रहे न घाट के. अरे उससे तो संसार में अच्छे थे, अपने बीवी बच्चों को लेकर रहते थे, ध्यान नाम जब भी मिल गया था, पैसा मिलता था, घूम फिर आते थे, बद्री केदार घूमते थे या नैनीताल गण के मजा करते थे, सब करते थे. अब ये सब का सब, वो भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिला. ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं. इसलिए नारद कहते हैं कि ये पराभक्ति अगर प्राप्त हो जावे तो क्या होगा. और पहले भक्ति के लक्षण बताए, और अब तीन सूत्रों में, तीन सूत्र क्यों, चार सूत्र, उसमें क्या होगा? तत् प्राप्त्य, यन लब्ध्वा, यत् प्राप्य, यत् ज्ञात्वा, तीन सूत्रों में क्या क्या चीजें होंगी, क्या होगा? व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है,
इसकी हमने चर्चा की कल विस्तार से, उसकी तृप्ति हो जाती। थोड़ा सा खाना खाया, थोड़ी देर के लिए तृप्ति हुई, अरे इसको प्राप्त करके ऐसी तृप्ति होती है जिसे शास्त्रों में निरंकुशा तृप्ति कहते हैं। ये सदा बनी रहती है, किसी प्रकार से वह परिवर्तित नहीं होती। एक दृष्टांत ले लीजिए, श्री रामकृष्ण का दृष्टांत। श्री रामकृष्ण तो भक्ति में प्रतिष्ठित। एक बार रामचंद्र दत्त उनके लिए एक गोभी, फूल गोभी लेके आए। तुम्हारा ये खूब फूल भोगी, संभवतः उनको मालूम होगा कि श्री रामकृष्ण को अच्छी लगती है। श्री रामकृष्ण ने देखा और कहा, वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन देखो इसको छिपा दो। क्यों? अभी वो हृदय आएगा, वो देखेगा तो बहुत गुस्सा होगा। और श्री रामकृष्ण के जीवन में एक स्थिति आई थी जब हृदय राम उनके जो सेवक थे वो उसके बाद में अहंकारी हो गए थे और श्री रामकृष्ण को कष्ट देने लग गए थे, तो उसको पलंग के नीचे छिपा दिया गया। इतने में हृदय राम पहुँच गए और हृदय राम ने पहुँचते ही पता लगा लिया कि ये गोपी है, और वो श्री राम कृष्ण को उल्टे पुल्टी डांट लगाने लगे कि तुमको मालूम है कि तुमको नहीं सूट करता है, ये तुम्हारे को पेट खराब करेगा, फिर भी तुम लाए हो, इस प्रकार से डांटने लग गए। श्री राम कृष्ण की तृप्ति क्या हुई, प्रशांति क्या हुई? श्री राम कृष्ण कहने लगे, नहीं नहीं मैंने नहीं मंगाई है, ये लोग अपनी इच्छा से लाए हैं। लेकिन हृदय नहीं माने, उनको डांटते रहे। श्री राम कृष्ण माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, माँ तूने मेरा संसार छुड़वा दिया, परिवार छुड़वा दिया, सब बंधन छुड़वा दिए, लेकिन इस हृदय के कारण तू मुझे जालातन कर रही है। इतना कहा अचानक श्री राम कृष्ण का मूड परिवर्तित हुआ। वो क्या कहते हैं श्री राम कृष्ण, नहीं नहीं माँ वो मुझे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, वो मेरी इच्छा के, मेरे अच्छे के लिए ये सब करता है, माँ उसका दोष मत देखना, मत दोष देखना। और ऐसा कहते कहते श्री राम कृष्ण समाधिस्थ। ये क्या कहेंगे, श्री राम कृष्ण की तित्रि खंडित हुई? वो समाधिस्थ है, उसमें हमेशा विद्यमान। भक्तों के जीवन में कभी कभी विपत्तियाँ आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, ऐसी आती हैं लगता है कि अरे बाप रे कैसी विपत्ति। सच पूछा जाए तो भक्तों के जीवन में संसारी लोगों से अधिक विपत्तियां आती, लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति खंडित नहीं होती। राबिया अपने कमरे में थी, घर में थी, और कुछ उसे अनुभूति हुई, आध्यात्मिक अनुभूति हुई उच्च कोटि की, बहुत प्रसन्न हुई, और उसमें उसके तुफैल में, रुद में जैसा कहते हैं, उसके लिए उसने एक निश्चय किया, 8 दिन तक मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखूंगा, यानी अल्लाह की प्रसन्नता के लिए मैं 8 दिन तक रोज़ा रखूंगी। रोज़ा रखा, 8 दिन के बाद रोज़ा खोलना है, दूध किसी ने दिया था, दूध पी के रोज़ा खोलूंगी। आप जानते हैं रोज़ा में तो उपवास रखना पड़ता है, फास्टिंग। अंधेरे में जो हाथ लगाया, देखा कि वो दूध जो है वो बिल्ली पी गई है, ठीक है पानी पीकर रोज़ा करूँ छोड़ूंगी। अंधेरे में जो हाथ लगाया तो पानी का बर्तन भी गिर गया। अब वो अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि या अल्लाह तेरी प्रसन्नता के लिए मैंने ये सब किया, अब तो मुझे इतना क्यों कष्ट दे रहे। अल्लाह उसे कहते हैं, राबिया अगर तू चाहे तो संसार की सारी नेमत, यानी संसार की सारी समृद्धि मैं तुझे दे दूं, लेकिन अगर तू मेरी इच्छा चाहती है तो मैं जैसा करूंगा वैसा करना पड़ेगा। राबिया ने कहा, हे अल्लाह तेरी जो इच्छा वो कर, और संसार से उसने सारा मन निकाल हटा लिया।
भगवान में परिपूर्ण प्रतिष्ठा पराभक्ति की अवस्था जिसमें संसार के ये अतृप्तियाँ क्षण भर की होती हैं, ये उनके मन को उनकी तृप्ति को कभी विचलित नहीं करती। तो इतना हमने देखा था, आज अगला सूत्र देखते हैं जिनमें ये पराभक्ति की प्राप्ति के पांच और लक्षण बताए गए हैं, पांच और लाभ बताए गए हैं। पंचम सूत्र, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिसको प्राप्त करके भगवत प्राप्य यानी भगवत भक्ति को, पराभक्ति को प्राप्त करके, शास्त्रकारों ने इसके ऊपर व्याख्या करते हुए कहा है कि यन लब्ध्वा, आगे था ना लब्ध्वा, लब्ध्वा यानी भगवत कृपा से प्राप्त, और यद प्राप्य न पुरुषार्थ से प्राप्त, मैंने अपने प्रयत्न से प्राप्त किया, जो भी हो उसको प्राप्त करके क्या होता है, पांच परिणाम। किंचित वांछति, कोई इच्छा नहीं रहती, वांछा नहीं रहती, आकांक्षा वांछा इच्छा नहीं रहती। न द्वेष्टि न शोचति, उसको शोक नहीं होता, न वांछति न शोकति, शोचति शोष नहीं होता। फिर क्या होता है, न द्वेष्टि, द्वेष नहीं होता, तो द्वेष से होगा राग भी नहीं, राग द्वेष नहीं होता। न रमते, किसी चीज में रमण नहीं करता, उससे चिपकता नहीं, हम देखेंगे प्रत्येक को। और न उत्साही भवती, सांसारिक क्रियाकलापों में उत्साह नहीं रहे। अब एक एक को देखें, यहां देखेंगे कि ये जो है भगवत गीता में श्रेष्ठ भक्त, स्थित प्रज्ञ, गुणातीत, इनका लक्षण से काफी मिलते जुलते हैं। और भगवत गीता में भी क्यों कहा गया है, द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन पूछता है कि जो स्थित प्रज्ञ है उसकी क्या परिभाषा, स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधिस्थ सकेश। तो भगवान क्या कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतात, अपनी कामनाओं को जब पूरी तरह छोड़ जाता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने आत्मा में भी संतुष्ट रहता है इत्यादि। दुखेषु अनुमग्ना, दुख से नहीं वो विचलित होता है, इंद्रियों से वो उसमें यह बाद में अच्छा द्वेष नहीं करता, और न द्वेष्टि न रमते न उत्साही भवति, ये वहाँ पे है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, द्वादश अध्याय में है। तीन स्थानों पर जीवन का लक्ष्य आदर्श बताया गया है, ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, गीता तो पढ़ते हैं ना, स्पष्ट रूप से प्रारंभ में द्वितीय अध्याय में आत्मतत्व को बताया है, उच्चतर चित बताई गई है, आत्मा अनात्मा का विवेक किया है, और कहा है स्थित प्रज्ञ का वर्णन। क्यों हम सदा याद रखें कि हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य यह है, चाहे किसी भी मार्ग से जाएं, गृहस्थ के रूप में जाएं या सन्यासी के रूप में जाएं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म की तो परंपरा है, गृहस्थ लोग ऋषि हुए हैं, अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया था, अर्जुन गृहस्थ था, उसको उन्होंने कहा था तुम स्थित प्रज्ञ हो, उसको उन्होंने कहा था कि तुम श्रेष्ठ भक्त हो। तो ये बात बार बार हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, हमेशा लक्ष्य हमारे सामने रखना चाहिए, नहीं तो संसार में हम फंसे रहेंगे, निकलेंगे। और यही बात बार बार भगवान पांच या सात सूत्रों में शुरू में कहेंगे, और खास करके ये पातंजलि अपने ये नारद भक्ति सूत्र तो अधिकांश पराभक्ति का ही है। 84 सूत्रों में से संभवतः 60 सूत्र भक्ति पराभक्ति हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो साधन भक्ति, वैधि भक्ति इत्यादि। तो आप कहेंगे स्वामी जी इतनी ऊंची बात कर रहे हैं, अरे भाई क्या करें, नारद खुद कहना चाहते हैं इस चीज को, हमको ये बात मन में बिठाना चाहते हैं। अब क्या होगा, पहला होगा न किंचित वांछति,
कोई वांछा नहीं होती, कुछ इच्छा नहीं होती। किंचित, किंचित शब्द का अर्थ है किंचित, कुछ भी मात्र नहीं, यानी एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम डिजायर। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, समस्त मन की कामनाओं, सभी मनोगति कामनाओं को जो त्याग देता है वो स्थित प्रज्ञ होता है। तो ये तो साधना के द्वारा त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो भगवत भगवान को प्राप्त कर लेता है उसमें कामनाएं नहीं रहती, अपने आप चली जाती। क्यों? अरे समस्त कामनाओं का जो आधार है, हमारी छोटी सी कामना, एक मिठाई खाने की कामना, घूमने फिरने की कामना, नाम यश की कामना, ये छोटी मोटी कामनाएं, ये समस्त भगवत प्राप्ति होने पर ये सारी कामनाएं उनमें इसमें एकीभूत हो जाती हैं। सागर में अगर आप डूब गए तो फिर छोटे छोटे पात्रों की पानी की क्या आवश्यकता। ये बात, एक बार भगवान को प्राप्त कर लिया, समस्त आनंदों को हमने प्राप्त कर लिया। एक कामना जब पूर्ण होती है तो हमें प्रसन्नता मिलती है। क्यों? एक वासना उठी, उससे चित्त चंचल हुआ, उस वासना की पूर्ति हुई, क्षण भर के लिए चित्त शांत हुआ और हमारे भीतर का जो आनंद है, चैतन्य परमात्मा का आनंद या आत्मा आनंद स्वरूप है, उस पर सात्विक वृत्ति, चित्त वृत्ति जब शांत हुई, सात्विक वृत्ति पर उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा और हमें लगा अच्छा लगा, आनंद आया। हम कहते हैं कि उस रसगुल्ले से मुझे सा आनंद प्राप्त हुआ, नहीं, उससे चित्त शांत हुआ था, चित्त वृत्ति क्षण भर के लिए सात्विक हुई थी और उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा था। तात्पर्य क्या है? उस विषय में सुख नहीं है और इसका लक्ष्य भी आप देखेंगे, उसका प्रूफ भी दिखेंगे। आज तो रसगुल्ला खाने से सुख मिला है, कल नहीं मिलेगा। पेट जब भरा हुआ होगा तब रसगुल्ला खाने से सुख नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि विषयों में सुख नहीं है, कहाँ पे है? आत्मा में है, परमात्मा। ये विचार के द्वारा है और शास्त्रकार कहते हैं अरे परमात्मा को प्राप्त कर लो, समस्त आनंदों का सागर है, या निर्वासना हो जाओ, समस्त इच्छाएं नम समाप्त हो गई, चित्त पूर्ण रूप से शांत हो गया, आत्मा का आनंद प्रतिबिंब। सारी साधना इसीलिए। तो यहां पर कहते हैं न किंचित वांछति, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसके संबंध में भक्तों का कथन है, कुछ प्रसिद्ध स्तोत्र हैं, उनमें क्या कहा गया है। देवी अपराधना क्षमापना स्तोत्र है, उसमें है ना, न मोक्षस्य कांक्षा न च विभव वांछा पचमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतः स्वाम संयाचे जननि जननम याप्नु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति। भक्त प्रार्थना करता हुआ माँ भगवती से कहता है कि मुझे मोक्ष की कांक्षा भी नहीं, न विभव की वांछा, संसार में विभव की वांछा, न विज्ञानापेक्षा, ज्ञान प्राप्ति की, विज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा, और शशिमुखी सुखेच्छा, एक सुंदर सुमुखी पत्नी की उसकी भी इच्छा नहीं। क्या चाहता हूँ मैं? ये केवल चाहता हूँ हे जननी, मेरा जन्म मृणानी रुद्रानी शिव शिव भवानी इति जपतः। माँ तुम्हारा नाम और शिव जी का नाम लेते हुए मारा सारा जीवन बीते। इसी प्रकार का शंकराचार्य का स्तोत्र है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्तोत्र है। न याचे वैम व्याम न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न जाचे हम रम्याम
सकल जन काम्यां वर वधुम सदा काले काले प्रमथपतिनाम गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरे नयनों में मेरे उचे दर्शन दीजिए। मैं सदा जगत मैं सदा काले काले सब समय प्रमथपति परमात्मा के गीतों का रचना और नाम करता रहूं। यहाँ मैंने इन दो श्लोकों के इसलिए कहा कि इसमें जो सामान्यतः जो वांछाएं इच्छाएं स्ट्रांग होती हैं उसकी बात कही है। एक तो है मोक्ष की इच्छा, दूसरी है विभव की इच्छा, संसार में विभव की इच्छा, तीसरा है विभव वांछा, न विज्ञान ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, बहुत पढ़ना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर राज्य की इच्छा। बिकम आजकल को तो राज्य का जैसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई मिनिस्टर बन जाऊं, कुछ बड़ा आदमी बन जाऊं, कनक माणिक्य धन संपत्ति की इच्छा, और एक भोग की, स्त्रियों को पुरुष की इच्छा और पुरुषों को स्त्री की इच्छा, ये सामान्यतः इच्छाएं बताई गई। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ इच्छाएं हैं जो जिसने सब कुछ त्याग दिया है, सन्यासी, हम लोग सन्यासी हैं ना, तो सन्यासियों में तीन प्रकार की इच्छाएं हो सकती है। श्री रामकृष्ण सब कहते थे क्या, कामिनी कांचन, है ना, तो उसमें सब उन्होंने संसार की जितने इच्छाएं कामिनी कांचन में बता दी। लेकिन तीन इच्छाएं सन्यासियों के लिए कही गई है। एक है लोकेशन, संसार की, लोक की, नाम यश की इच्छा। संसार में मुझे लोग माने, मुझे सम्मान मिले, सन्यासी हो तो सम्मान मिले, प्रणाम करें लोग, मेरा नाम यश पहुंचे, भजे। दूसरा है शास्त्रेषण, शास्त्र पढ़ना, तो एक शास्त्र पढ़ा तो नारद भक्ति सूत्र पढ़ा, तो नारद भक्ति सूत्र के ऊपर त्यागेशानंद जी की कमेंट्री है, वेदांतानंद जी की कमेंट्री है, और भी गीता प्रेस गोरखपुर की है, और अखंडानंद जी सरस्वती की है, गीता के भाष्य से कितने होंगे, 100 भाष्य होंगे कम से कम। एक भाष्य पढ़ा, दूसरा भाष्य पढ़ा, तीसरा भाष्य पढ़ा, अच्छा नहीं, गीता तो पढ़ ली, अब उपनिषद पढ़ेंगे, तो उपनिषद हो गए तो कितने हो गए, 10 मुख्य उपनिषद और एक और एकादश श्वेताश्वत उपनिषद, नहीं नहीं अब महानारायण उपनिषद पढ़ेंगे, बृहद जावाल उपनिषद पढ़ेंगे, संन्यास उपनिषद पढ़ेंगे, 108 उपनिषद हैं वो पढ़ेंगे। अरे ये तो वेदांत है, योग शास्त्र भी पढ़ेंगे, सांख्य भी पढ़ेंगे, और आगे चलिए नहीं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी पढ़ेंगे। ये शास्त्रेषण, शास्त्र की इच्छा, और शरीरेषण, देह को पुष्ट रखना, कितने प्रकार के क्रीम है ना, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, सारा बिजनेस चल रहा है इसी के ऊपर ना, एक एक कैप्सूल, नई नई कैप्सूल, उसके अंदर फिर वो लिवो कुछ मिलाते हैं, और फिर वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, ऐसा करके, और जो टैबलेट मल्टीविटामिन की 1 रुपये में आती है वो 15 रुपये की, और उसको परचेस करने वाले बहुत हैं। जो शरीर को पुष्ट रखना है, ये और भी 3 वासनाएं हैं। अब इनका उपाय क्या है दूर करने का है? एक तो है ब्रह्म ज्ञान, अपने स्वरूप को जान लीजिए कि आप देह नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं। तो आत्मा में कोई भी वासनाएं नहीं रह सकती, वो तो नित्य शुद्ध है, आनंद स्वरूप,
और दूसरा है ये भक्ति. भक्ति प्राप्त हो गई, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं. ये मैं कह रहा, मैंने अभी कहा भी, पहले भी कहा था मैंने कि सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं. क्यों? भगवान जो है आनंद स्वरूप है. ये सारी की सारी बातें हम करते हैं आनंद के लिए. सच पूछा जाए तो तीन प्रकार की इच्छाएं स्प्रियाएं बेसिक होती हैं. पहला, आदमी मरना नहीं चाहता, अमरत्व. नचिकेता ने यमराज से क्या प्रश्न किया था आप लोग जानते हैं? क्या कहा था? कहा था, मैं ये जानना चाहता हूं कि मरने के बाद क्या होता है. छोटा सा बच्चा, बालक यमराज के पास पहुंच गया. यमराज ने प्रसन्न होकर तीन वर दिए. उसने एक अंतिम वर में कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि मरने के बाद क्या होता है. मतलब क्या है? मैं वो ज्ञान चाहता हूं, अमर होने का ज्ञान चाहता हूं. प्रश्न ये है सीधा. तो पहली स्पृहा हमारे सबके जीवन में है, हम अमर होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते. बूढ़ा हो गया है, कैंसर हो गया है, मन बस 6 महीने से अधिक नहीं बचेगा. 1000 रुपए के ICCU में भर्ती होगा, 6 महीने में 10 लाख रुपया खर्चा हो गया, मर जाएगा. लेकिन एक दिन बचने के लिए वो इतना खर्चा करे. आदमी मरना नहीं चाहता. क्यों? हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद. लेकिन उसे हमने देह में रख लिया, इस देह को हम बनाए रखें. इसलिए नचिकेता को और यमराज ने जो उत्तर दिया उसमें कहते थे, ये नचराज तुमने जो प्रश्न किया है कि मरने के बाद क्या होता है, ये इनवैलिड क्वेश्चन. बड़ी मजेदार, इतना अच्छा प्रश्न है, मरने के बाद क्या होता है. यमराज पहले ही कहते हैं, अगर ये तुम मरता ही नहीं है आत्मा, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? तुम तो अमर हो ही, मरने वाले नहीं हो. और देह की बात करते हो तो देह तो मरेगा ही. भगवान गीता में भी तो कहते हैं, शुरू में ही कहते हैं, न जायते म्रियते वा किंचाचित् देही नित्यम अवध्येयम् देह सर्वस्य बाहरतः. ये देह तो मरने वाली, इसमें जो देह है वो कभी नहीं मरे. तो पहली हमारी आकांक्षा है कि हम न मरें. दूसरी है ज्ञान, चैतन्य. हमारा स्वरूप है सत. तीसरा है चित्त, यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूप. और चौथा है अन्न. ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं. ये आत्मा के लक्षण नहीं है, ये आत्मा के स्वरूप हैं. तो दूसरा क्या है? ज्ञान. और सनत कुमार के पास में नारद ने जाके क्या कहा था? मैं ज्ञान चाहता हूं, मैंने जो जाना वो तो फालतू चीजें थी, मैं ज्ञान चाहता हूं. उपनिषदों में जितने प्रश्न हैं वो ज्ञान के प्रश्न हैं. सब जानना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं. और तीसरा है आनंद. आनंद का भी सब जगह प्रश्न उठता है, आनंद कैसे मिलेगा? उपनिषद में इसका भी वर्णन है. तो तात्पर्य यह है कि सच्चिदानंद हमारा स्वरूप होने के कारण ये तीन स्पृहाएं बेसिक हैं हमारे जीवन. जहां हमें प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं. जहां ज्ञान मिलेगा तो पढ़ाई करेंगे, ये किताबें पढ़ेंगे, ये किताबें पढ़ेंगे, वो किताबें पढ़ेंगे, ये सब ज्ञान प्राप्त करेंगे. इसके लिए शास्त्रकार कह देते हैं, यह है अपरा विद्या, यह इन्फीरियर नॉलेज. मुंडक उपनिषद में शौनक ने जाकर गुरु से पूछा, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, किसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है? तो उन्होंने कहा, दो प्रकार की विद्याएं हैं,
आयुर्वेद यजुर्वेद शास्त्र इत्यादि जो है ना ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैथमेटिक्स साइंस मेडिसिन कंप्यूटर साइंस ये सब क्या है ये इन्फीरियर नॉलेज पराविद अपराविद्या तत्परायद तद अधम अभिगच्छते उस पद को जो प्राप्त करते हैं वो है पराविद्या उसको जाना तो सब कुछ जान लिया जैसे चावल पक गया है इतने सारे चावल कैसे पता चले कि चावल पक गया है सब देखना पड़ेंगे एक एक चावल को एक चावल निकाल के दबा के देख लिया सब पक गया एक को जानने से सब कुछ जाना लगता है ये वेदांत उसी प्रकार एक ब्रह्म को जाना एक परमात्मा को जाना तो सब कुछ जानता बाकी सब समस्या समाप्त हो जाती तो सारी इच्छाएं समाप्त हो गई जानने की इच्छा देह की इच्छा अरे देह तो मैं है ही नहीं चिंता ही नहीं करते और ज्ञान की इच्छा अमरत्व की इच्छा मैं तो अमर हूं ये हो गया दूसरी बात कहते हैं न किंचित वांछति ये बता दिया न शोचति शोक नहीं करता जो आत्म तत्व को जानता है भगवत भक्ति जिसने प्राप्त की है वह शोक नहीं करता उपनिषद में कहा है न तत्र कह मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत ये तो ज्ञान की दृष्टि से जहां द्वैत होगा वहां पे शोक होगा जहां पे दो है वहां क्या समस्या है इष्ट वियोग अनिष्ट योग जो इष्ट है जो प्रिय है जो हमें सुख प्रदान करता है उस वस्तु व्यक्ति से वियोग पुत्र है उसको प्यार करते हैं साथ में है वो फॉरेन जा रहा है जाएगा दुख होगा और अनिष्ट योग जिस व्यक्ति वस्तु को हम चाहते नहीं जिस परिस्थिति को नहीं चाहते बड़ी गर्मी पड़ रही है उसको नहीं चाहते लेकिन आएगी अनिष्ट योग तो ये दो बने रहते हैं ये मूल कारण सभी सुख दुखों के लेकिन जो एकत्व में प्रतिष्ठित है यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम जो सर्वव्यापी है एक है उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं एकत्व अनुपश्यत उसको शोक कैसे होगा न तो वहां पर इष्ट है न अनिष्ट है न वियोग है न मिलन है एकत्व अनुपश्य दुर्भाग्य यह है कि हम इस एकत्व से घबराते हैं लेकिन नहीं कभी अकेला रहना कठिन सोच के देखिए मैं कभी रिट्रीट में जाता हूँ कुछ सिंसियर लोग होते हैं तो उनको कहता हूँ कि बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं ना कल बात करेंगे एकांतवास करो वहाँ पे कोई भी नहीं हो अपने साथ न पत्नी हो न पति हो न पुत्र हो न कोई नहीं एकांत में रहो और भगवान से पुकार कर कहो प्रभु तुम ही मेरे सर्वस्व एक अकेला रहे और जब तक हम अकेले हैं तो फिर जब तक द्वैत है तो भगवान को अपना साथी बना लीजिए उससे और भी स्थिति ऊंची है जो कहता है मैं हूं और कुछ नहीं तो एकत्व एकांत में रहने का चिंतन करने का भी थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए हमारे पिताजी की बात है हम परिवार में रहते थे उसके बाद पिताजी का कोई अपग्रेडेशन हुआ उनको ट्रांसफर हो गया बेंगलोर में रहने लगे हम अपने माँ के साथ हम साथ में रहते थे पूर्वाश्रम की कथा कह रहा हूँ अब पिताजी को वहाँ पर अकेला लगे जाते हैं ऑफिस में जाते हैं इज़ ए बिग ऑफिसर और घर पे आते हैं हुई हैज़ गॉट ए कुक है एक
very trusted, एक निष्ठावान, एक सेवक है, सब कुछ है, लेकिन अकेला लगता है। तो उसके बाद में मैं तो युवक था, स्टूडेंट था, उन्होंने मेरे को कहा था कि अशोक थोड़ा अकेला रहने की हैबिट बना ले, ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो भक्त यज्ञ क्या चाहता है? भक्त जो है वो तो परमात्मा के साथ रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, इसलिए उसके जीवन में शोक नहीं। पातंजल योग सूत्र में क्या कहा है, बड़ी विचार की बात। वो तो कहते हैं सर्वम दुखम परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधात सर्वम दुख। हम जब अच्छी मिठाई खा रहे हैं, एसी कमरे में सो रहे हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं है, सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसे में विवेकी व्यक्ति उसमें भी दुख देखता है। क्यों? परिणाम में अभ्यास हो गया, परिणाम में दुख होगा। पेट भर के खाया है तो डायरिया हुआ, परिणाम में दुख। खूब खाइए, मिठाई खाइए, डायबिटीज, परिणाम में दुख। परिणाम संस्कार, खाते खाते फिर उसके बाद अभ्यास हो जाता है। बनारस में मैं अद्वैत आश्रम में हूँ, वो ठाकुर का विशेष पूजा होती है वहाँ पे, तो ठाकुर की प्रतिष्ठा है, अन्न भोग लगता है, रोज पायस मिलती है। अब अभ्यास हो गया, संस्कार हो गया, अब दूसरे किसी केंद्र में जाएं वहाँ पर पायस नहीं मिले तो लगा है, अरे यहाँ पे तो पायस नहीं मिलता। संस्कार, भोग का, सुख का संस्कार। परिणाम ताप, तीसरा ताप, सुख की वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कितना प्रयत्न करना पड़ता है आप लोगों को? खाना बनाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, इतना सारा काम करेगा थोड़े से सुख के लिए। परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधात, कभी मन सात्विक है, बढ़िया खाने की है, इच्छा नहीं हो रही। कभी मन तमोगुण है, नींद आ रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, इससे सदा सुख नहीं बने रहेगा। इसलिए पतंजलि कहते हैं सर्वम दुखम, विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख है। लोग कहें अरे कहाँ, अरे तो मन मजा तो ले रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब क्यों लगाते हो, अभी तो खाओ फिर देखा जाएगा। तो है ना, खाते हैं मजे से खाते हैं। मैंने एक एक व्यक्ति थे तो वो डायबिटीज थी, वो खूब छक के खाते। मैंने कहा अरे क्या कर रहा है रे, डायबिटीज है तेरा, उसमें फिर और बढ़ती चली जाएगी डायबिटीज। कि दादा अब मरना तो है, खा खा के ही मरूं, और मरे भी ऐसे ही। तो ये दृष्टिकोण अविवेकी है, इसका आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना। अध्यात्म ऐसा सुख बताना चाहता है जो निरवच्छिन्न है, सदा विद्यमान रहे, जिसमें शोक नहीं हो। गीता में जितना वर्णन किया है, सात्विक सुख है, राजसिक सुख है, तामसिक सुख है, देख लीजिएगा। सात्विक सुख है अभ्यास, भगवान के ध्यान के लिए अभ्यास हो गया, भगवान के ध्यान में आनंद आने लगा, रस आने लगा, प्रत्येक दिन बैठते हैं आनंद आता है, ये आनंद लीजिए ना, इसका आनंद का प्रभाव पड़ेगा, ये सात्विक सुख। राजसिक सुख तो है, विषय इंद्रियों के संयोग से होता है, वो कष्ट भी देता है। और तामसिक सुख सबको प्राप्त होता है, निद्रा में, आलस्य में भी सुख है, निद्रा और आलस्य में सुख। तो
चाइना जब उठा नहीं था तब मालूम है आपको अफीम, वहाँ खूब अफीम होती थी और लोग अफीम खाते थे और वेस्टर्न लोग चाहते थे कि अरे चाइना को अफीम में डुबाए रखो, तमोगुण में डुबाए रखो, अगर नहीं तो ये उठेगा तो मुश्किल कर देगा। हुआ भी, अफीम की खेती होती थी मालूम है ना। अरे इंडिपेंडेंस के पहले भारत में अफीम की खेती होगी, तो तमोगुण में डुबाए रखो बस, लोग सुखी समझते हैं अपने आप को, सुखी समझते हैं, शराब पी के मस्त है सुखी समझते हैं, ये दुख सुख की बात नहीं हो रही। तो जो भक्त है उसमें शोक नहीं होता, हाँ एक विशेषता होती है, दूसरों के शोक से वो दुखी होता है, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। ये एक विशेषता उसके अंदर होती है। तीसरा है न द्वेष्टि। एक आगे बढ़ गया हूं, न किंचित वांछति, इस पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटी सी घटना सुनी, वांछिती इच्छा की बात, बड़ी सुंदर घटना है। स्वामी पूज्य स्वामी अपने आत्मस्थानंद जी की महासमाधि पर जो पब्लिक मीटिंग हुई थी सबके उनकी स्मृति में, बनारस में भी हुई, तो एक भक्त ने, एक महिला भक्त ने एक दृष्टांत, एक रेमिनेसेंस से सुनाया। आत्मस्थानंद जी आए थे शायद बेलूर मठ में ही थे, तो जो भी प्रणाम करने जाता है तो टॉफी देते हैं, मालूम है आप लोगों ने ली होगी, जो भी प्रणाम करते जाते हैं दो टॉफी दे देते, सबको दो टॉफी देते थे। एक लड़की आई, बच्ची आई, उसको दो टॉफी दिया, उसका छोटा भाई छोटा सा बच्चा उसको दो टॉफी दिया, वो देखता रहा। आत्मस्थानंद ने पूछा कि और चाहिए क्या, दो और दे दी, और चाहिए, हाँ छोटा बच्चा है वो समझता नहीं है क्या होता है क्या, दो और ले ली, और चाहिए, हाँ हाथ भर गया, और चाहिए, हाँ दूसरे हाथ में, और चाहिए, हाँ दूसरा हाथ, वो ना नहीं कहे लेता रहे। महाराज ने कहा इसको जेब में रख लो, जेब में रख लिया, और चाहिए, हाँ ले रहा लेता गया। अब पास में खड़े हुए लोग हंस दिए, दोनों हाथ भर गए थे, पास में खड़े हुए लोग हंस दिए ऑब्वियसली। इसको बड़ा बुरा लगा बच्चे को, मैंने क्या गलती की, रोता हुआ अपनी माँ के पास के जाए, माँ पास में खड़ी होती, रोता हुआ माँ को उन्होंने, उसने जकड़ लिया। तो आत्मस्थानंद जी ने एक कमेंट किया, हम लोगों की भी यही स्थिति है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक चीज भरते चले जाते हैं। जब इससे ऊब कर माँ के पास दौड़कर जाएंगे तब भगवान के दर्शन, न वांछति। अब ये भक्ति के कारण तो वांछा अपने आप आ जाती है, लेकिन अगर हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो अपनी वांछाओं को त्याग करना पड़ेगा, वासनाओं को त्याग करना। तो शोचति की बात कही, अब कहते हैं न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता। गीता में है यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यह हर्षा मर्ष भयो द्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय। द्वेष नहीं करता, द्वेष यानी राग और द्वेष दोनों, जो सुखदायक है सो परिस्थिति व्यक्ति उसके प्रति हमारे मन में राग होता है, जो दुखदायक है परिस्थिति व्यक्ति उसके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है। लेकिन जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है, भक्ति प्राप्त कर ली है, उसमें उसके ऊपर कोई राग द्वेष नहीं होता। उसके दृष्टांत, एकनाथ जी का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के संत,
एक दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर थूका, वो जाके इसको साफ कर लिया, फिर आए फिर थूका, फिर जाके साफ किया। जितनी बार वो थूकते उतनी बार वो जाकर स्नान करते या साफ करके वापस आ जाते। 108 बार उसने थूका, उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया, द्वेष नहीं, और तब वो परिवर्तित हो गया। इब्राहिम, संत इब्राहिम बिन अदहम अरब के संत थे, लोगों ने एक बार खूब मारा, उनको पिटाई की थी, चुपचाप सहन करते रहे, किसी प्रकार का द्वेष उनके मन में नहीं आया। ये क्या है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती इसलिए द्वेष। अगर दो नहीं है तो किससे द्वेष करेंगे और किससे राग पड़ेंगे? ये दैट इज द पॉइंट। चौथा है न रमते, रमते यानी अनुरक्त नहीं होता, आनंदित नहीं होता, हर्ष शोक विपरीत किसी वस्तु से वो हर्ष नहीं होता और शोक भी नहीं होता। कठोपनिषद में कहा गया है ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जहाति। लेकिन ये रमते शब्द जो है ये हर्ष से थोड़ा सा भिन्न है। रमते किसी चीज में रमण करना, किसी चीज में आसक्त होना, और इसको अगर पूर्ण लौकिक भाषा में कहें तो स्त्री पुरुष में एक दूसरे के साथ रमण हम होता है, उनसे दूसरे में दोनों की जो आसक्ति है उसको रमण कहा जाता है। इसके संबंध में भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा है, पिंगला की कथा। आई डोंट नो, यहाँ पर मैंने भागवत में भी तो एक बार सीरीज हुई है। एक वेश्या थी, और यह है अवधूत गीता का प्रसंग, अवधूत के 24 गुरु। तो अवधूत के 24 गुरु में एक है पिंगला, ये वेश्या। तो क्या हुआ, एक दिन वो सज धज कर तैयार हो गई, शाम को कोई आएगा मेरा रमण करने के लिए, मेरे साथ में भोग करने के लिए आएगा, मुझे पैसा देगा, वो तो पैसा कमाना चाहती है। देखती एक व्यक्ति आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, वो तो चला जाता था। बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही, कोई नहीं आई। तब उसको विवेक जागृत हुआ, अरे अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना जीवन व्यर्थ गंवा रही हूँ, ये सांसारिक निकृष्ट लोगों के लिए ये मैंने अच्छा नहीं किया, अब मैं नहीं करूँगी। और तब निर्वेद को प्राप्त करके, जिसे निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त करके वो कहती है, बड़ा सुंदर श्लोक है, संतम समीपम रमणम रतिप्रदम वित्त प्रदम नित्यम अविहाय नित्यम इमम अविहाय नित्यम इमम विहाय अमा अकामदम दुखमयादि शोक मोह प्रदम तुच्छम अहम भजे अज्ञा। मैं कैसे मूर्ख हूँ, अज्ञ हूँ कि मैं, मेरे पास में है कौन, परमात्मा, संतम समीपम मेरे निकट है, रमणम परमात्मा जिससे मैं रमण कर सकती हूँ, रति प्रदम, रति यानी वही भोग, रति प्रदम वित्त प्रदम ज्ञान रूपी वृत्त प्रदान वाले, नित्यम नित्य प्रदान है, उसको छोड़कर मैं अकामदम कामनाओं की जिनसे पूर्ति नहीं होती, दुखमयादि शोक मोह से युक्त तुच्छ लोगों के प्रति मैं अज्ञ कैसे उसमें लगी हुई, ऐसा विचार करके उसको वैराग्य निर्वेद प्राप्त करके सुखम अस्वास्व बड़ी शांति से अच्छी तरह वो सोई।
तो रमणम का अर्थ यह हो जाता है कि किसी वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष में तीव्र आसक्ति। ये रति शब्द का वर्ड गीता में भी आता है। यह आत्मरति रेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव स संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मरति, उसको आत्मरति आत्मतृप्ति से अलग किया और यहां पर भी रमण और तृप्ति दो भिन्न किया। रमणम तृप्ति आत्मतृप्तश्च आत्मा में ही संतोष, ये तीन चीजों को अलग करके दिया है। तस्य कार्यम न विद्यते। मुंडक उपनिषद में कहते हैं प्राणो ही एष सर्वभूते विभाचित विजानन विद्वान भवते नातिवादी। यह आत्मक्रीड़ा आत्मरतिरेव स्यात्। जो ब्रह्मनिष्ठ है आत्मा में क्रीड़ा करता है। बच्चा खिलौना लेता है ना खेलता है। युवक हैं वो रति करते हैं। जो उसकी आत्मा में क्रीड़ा आत्मा में रति है तस्य कार्यम न विद्यते, उसको ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा जाता है। देखेंगे छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, एक दो साल का बच्चा करके छह महीने आठ महीने का थोड़ा सा हुआ, क्या करता है वो? पड़ा हुआ है, पेट भरा हुआ है, दूध पी लिया है उसने, अब उसको कुछ नहीं करना है, वो खेलेगा। क्या कैसे खेलेगा? अपने से खेलेगा, अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में लगाएगा, इधर कुछ चीज लिया, उसको दौड़ किसी चीज से जरूरत नहीं है। आत्मरति, इसीलिए जो ब्रह्मज्ञ पुरुष होता है तो उसके लिए एक दृष्टांत बालक का देते हैं। ये बालवत हो जाता है, जड़वत होता है, उन्मत्तवत होता है, इत्यादि हो जाता है। तो ये हुआ आत्मरति। नो उत्साही भवती, अंतिम है उत्साही नहीं होता, आगे हो जाए ना। न भवते अतिवादी, ज्यादा बोलता नहीं, शांत हो जाता है, मुंह से बात नहीं निकलती, चुप हो जाता। श्री रामकृष्ण कहते थे एक व्यक्ति के दो शिष्य थे, गुरु के पास गए शास्त्र पढ़ने के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए। लौट कर आए तो उन्होंने पूछा एक से, बोलो तो भाई क्या तुमने सीखा? उसने बहुत सारा लेक्चर दे दिया, जैसे हम यहाँ बैठ कर आपको लेक्चर दे रहे हैं। दूसरे से पूछा, वो चुप रहा, कुछ नहीं बोलो। उसके पिता ने कहा तुमने ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त। न अतिवादी, अधिक बोलचाल करना, बकवास करना अतिवादी, जितना बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोलना वो नहीं करता। फिर क्या कहते हैं इसके बाद में, सांसारिक, मतलब ये कि सांसारिक कार्यों में उत्साह नहीं रहता। भगवान की भक्ति में ऐसा तन्मय कि उसका संसार गोल हो जाता है, संसार फिर नहीं रहता। भगवान गीता में कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, भक्त के लिए कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। आरंभ यानी सांसारिक क्रियाओं को प्रारंभ करना, प्लान करना, वो सब नहीं होता। कोई स्वार्थ पर कार्य नहीं कर सकता। और उसको फिर एक शब्द और भी आता है नैष्कर्म्य, कर्म नहीं होता ऐसा व्यक्ति, फिर कर्म नहीं करता। भगवान में डूबा हुआ वे क्या कर्म करेगा? थोड़ा सा काम करता है और समाधिस्थ हो जाता है। शुभाशुभ परित्यागी, भगवान गीता में फिर यह कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी। और दृष्टांत श्री रामकृष्ण का ले, स्वामी विवेकानंद का ले लीजिए। क्षीर भवानी गए थे, कश्मीर गए थे मालूम है, श्री घराम ने उन्होंने देखा मंदिर उजड़ा हुआ था, उनके मनी मन आया कि मैं होता तो इसको उजड़ने नहीं देता। तो उन्होंने क्या सुना, माँ जगदम्बा की वाणी सुती, बेटा तू मेरी रक्षा करता है कि मैं तेरी रक्षा करता,
उसके बाद स्वामी विवेकानंद का सारा उत्साह समाप्त हो गया, कर्म का उत्साह नहीं समाप्त हो गया। तो ये जो भक्त होता है वह उत्साह ही नहीं होता। आत्मानं चेत विजानीयात्, मैंने कहा कल भी कहा, श्लोक को कहा था कि मच्छन कस्य काम आय शरीर मनुस्वंजरेत। जब आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो फिर क्यों प्रयत्न करेगा। हाँ, ऐसे लोग केवल एक प्रयत्न फिर करते हैं, भक्तों को उस उपदेश देने के लिए, भक्तों को प्रेरित करने के लिए, जो दुखी हैं, शोक वाले हैं, उनको उनके शोक दूर करने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर इस एक ही सूत्र को हम कर सके, क्योंकि पांच आइटम्स थे उसमें, इसकी चर्चा हमने की, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, नारद भक्ति सूत्र के 44 लेक्चर्स का सीडी है, ऑलरेडी पहले किया जा चुका है, आप ऑफिस से उसको ले सकते हैं, या आपको उसको वहाँ पर बुक करना पड़ेगा, वो बना के आपको दें। अभी यही समय पर संध्या के उपरांत 8 बजे से नारद भक्ति सूत्र के प्रवचन श्रृंखला जारी रहेगा। कल